कि चिकन बिरयानी जो मसाले वाली बिरयानी होती है वो कैसे बनती है उसके लिए, और हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए मैंने लिए है आधा किलो चावल, बासमती राइस, मिक्स गरम मसाला लिया है जो आधा मैं बिरयानी में डालूंगी और आधा जब हम चावल बॉईल करेंगे उसमें डालूंगी। एक पाव दही ली है जो आधे का मैं रायता बनाऊंगी और आधा बिरयानी में डालूंगी। 1 टेबल स्पून बड़ा वाला मैंने नमक लिया है जो बॉइल्ड चावल में भी डलेगा और बिरयानी में भी डलेगा। और ये मैंने मसाला लिया है बिरयानी मसाला, ये घर का मसाला है जो मैंने खुद घर में बनाया है। और ये छोटी बड़ी हरी मिर्चें हैं, 3 अदद लार्ज टमाटर हैं, हरा धनिया पुदीना मिक्स है इसके अंदर, और ये जायफल जावित्री है, तेजपात है, और ये बादियान फूल है, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टी स्पून, और ये हमने लिया है ऑरेंज फूड कलर, और ये हमने 1 अदद बड़ी प्याज ली है, और हमने आधा किलो चावल के लिए आधा किलो ही हमने चिकन ली है। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम चिकन को फ्राई कर लेंगे तेल में। देखिए व्यूअर्स, हमारी चिकन फ्राई हो गई है, हमारी प्याज भी ब्राउन हो गई है। अब हम सारे मसाले को इसके साथ मिला देंगे। सबसे पहले हमने इसमें डाले टमाटर, हरा धनिया पुदीना, जायफल जावित्री तो मैंने पीस ली थी, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, नमक जैसे मैंने आपको बताया था 1/2 टीस्पून इसमें डलेगा, और 1/2 टी स्पून जब हम चावल बॉईल करेंगे उसमें डलेगा हरी मिर्चें, और ये हमने जो ब्राउन प्याज की थी वो भी इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास दही थी इसमें हम आधी दही निकाल लेंगे और आधी दही में हम मिला देंगे जर्दे का रंग। जर्दे का रंग मिलाकर हम इसे लगा देंगे चिकन पर। चिकन पर हम अच्छी तरह इसको लगा देंगे और हमने अपने चावल बॉईल करने हैं, मसाला तैयार करना है। अच्छी तरह आप सारे चिकन पे जल्दी गरम लगा दें और इसमें जो हमने मसाला डाला है उसको भी, मसाले को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपने चावल बॉईल कर लेते हैं। चलें, अब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा, हम इसमें चावल डाल देंगे। और हाँ, थोड़ा सा ऑयल भी आप डाल दीजिएगा, इससे हैं चावल चिपकते नहीं है एक दूसरे के साथ। जरा सा आप इसमें ऑयल भी ऐड कर दीजिए। देखें 1 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर दें। अब हम मसाला तैयार करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया तेजपात और ये बाकी हमारा सारा गरम मसाला, बादियान फूल, जीरा, लौंग और गोल मिर्चें। हम इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी चिकन, फ्राई चिकन,
दही का पानी भी जो निकलता है और उसमें हमने फ्राई कर ली थी इसको, तो ये आधी गली हुई है और बाकी दही के पानी में निकल जाएगी। देखिए व्यूअर्स, हमारी चिकन गल गई है। अब हम इसमें आधा मसाला ऐड करेंगे। इसमें हमने टमाटर वगैरह डाले और इसमें हमने आधा मसाले को ऐड किया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चावल जो हमने बॉईल किए हुए हैं। बॉईल किए हुए चावल हम इसमें ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद अब हम इसमें रखेंगे कि हमने राम की पीसेस जो है निकाल के रख दिए थे ऊपर से रखने के लिए। देखें, अब हम इसमें ये वाला मसाला भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको लगा देंगे दम पे 15 से 20 मिनट के लिए। हमारी बिरयानी हो जाएगी रेडी। हम इसके नीचे रखेंगे तवा, लगा देंगे 15 से 20 मिनट। ठीक है, थोड़े 5 मिनट आप तेज आंच करिएगा, फिर आप लाइट आंच कर दीजिएगा। मैं आज तेज कर रही हूँ, 5 मिनट बाद मैं आंच को कम कर दूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। ये देखें, हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। इसमें से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपको इसको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारी बोटियाँ भी गल गई हैं। तस्वीर खींचो, तस्वीर बारिश हो गई।